हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज हम बनाने वाले हैं दो अमेजिंग कुशंस, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो गाइज, यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया हुआ है और इसको मैं कट करूँगी और इसे कट करने के बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इसको पीसेज में हम कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है एक सर्कल शेप में और फिर हम इसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसी साइज़ का हम एक कार्डबोर्ड भी कट कर लेंगे और उसके बाद हम कार्डबोर्ड को भी इसी साइज़ के कट करने के बाद हम कपड़े की कटिंग करेंगे इस कार्डबोर्ड के थ्रू। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बेकार पुरानी पैंट ली हुई है तो इसका हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम इसकी पहले कटिंग कर लेंगे। तो ये जो मैंने कार्डबोर्ड कट किया है उसको हमें रख कर इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से मैं ऊपर की ओर इसका वो इसका पार्ट निकाल देती हूँ और फिर हम इसकी साइड से ओपन कर लेंगे इसको और उसके बाद हम यहाँ से ये जो मैंने कार्डबोर्ड लिया हुआ है उस पर हम इसमें इस तरीके से कटिंग इसकी करते जाएंगे। तो यहाँ से हमने कार्डबोर्ड को रखा है और यहाँ पे हम अब इसको कट करेंगे। आप चाहे तो निशान लगाकर कट कर सकते हैं या तो फिर इसको रख कर भी कट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम और भी कई पीसेस निकाल लेंगे इसके। ये देखिए, और अब हम सबको ज्वाइंट कर देंगे। तो एक साइड से हमें ज्वाइंट करना है, स्टार्ट करना है, तो इस तरीके से हम इसको उल्टा करके ज्वाइंट करते जाएंगे ऐसे पलट कर। तो देखिए, ये मैंने ज्वाइंट कर दिया है, ऊपर से भी मैंने सिलाई लगा दी है। तो इस तरीके से ऊपर से लगाने से हमारा ये जो पीस है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें और भी पीसेस लगा देने हैं। तो यहाँ पर कुल मैंने 8 पीसेस लगाए हैं, तो 8 पीसेस के एक सर्कल हमें और तैयार करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक पीस तैयार कर दिया, इसी तरीके से हमने दूसरा भी पीस तैयार कर लिया है और अब इसके बाद हम एक और पट्टी कट करेंगे और इन दोनों को हम इसमें इस पट्टी में जोड़ देंगे, इस स्ट्रिप में हम इसको यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे। तो इसको हम यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको यहाँ से थोड़ा सा ओपन कर सीधा कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से मैंने इसको ओपन रखा है और अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आप चाहे तो इसमें कुशन डाल सकती हैं या तो फिर आप यहाँ पे कॉटन फिल कर सकती हैं या फिर कोई भी बेकार कतरन इसमें भर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉटन फिल किया इसमें और अच्छे से फिल करने के बाद हम यहाँ से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसी कलर के थ्रेड से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ से मैं इसकी स्टिचिंग कर लूँगी। और इसके बाद हम यहाँ पे कोई भी पुराना कॉइन लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेकार कॉइन लिया हुआ है जो कि बहुत पुराना है, उसको हम यूज़ करेंगे और यहाँ से हम इसको कपड़े में कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसका बटन बनाएंगे। तो यहाँ से मैंने देखिए यहाँ पे इसका बटन बनाया है फैब्रिक का और अब हम इसको इसमें ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए, ये मैंने यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दिया है और ज्वाइंट करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लगा देंगे। तो ये बनकर रेडी हो गया है हमारा प्यारा सा कुशन। और दोनों साइड में हम इसी तरीके से बनाकर इसको लगा देंगे और इसको हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे।
ये बिल्कुल टाइट हो गया है और अब हम इसको कट करेंगे। तो ये बनकर रेडी हो गया है और इस तरीके से बेकार पुराने पैंट की मदद से आप बहुत ही अच्छे से इसको बनाकर रेडी कर सकती हैं और अपने घर को सजा सकती हैं। तो गाइस ये वाली वीडियो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे एक बोरी का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमें एक बोरी का यूज़ करना है और इसके बाद हमें इसको कट कर लेना है। तो कुशन के साइज़ का हम इसको कट करेंगे। तो इस सबसे पहले आप यहाँ पे निशान लगा लें। यहाँ से मैंने इसको निशान लगा लिया है और ये हमारा 14 इंच एक साइड में रहेगा और 14 इंच दोनों चारों तरफ बराबर रहेगा। और अब हम इसको कट कर लेंगे और इसको अच्छे से बराबर कर लेंगे। तो देखिए ये बराबर हो गया है। और इसके बाद हम इसको सिंपली ज्वाइंट कर देंगे तीन तरफ से। तो यहाँ से हम तीनों तरफ से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। और ज्वाइंट करने के बाद हम कोई भी बेकार पुरानी साड़ी का टुकड़ा लेंगे और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम दोनों साइड से कॉर्नर्स को इसके फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और साइड से भी हम इसे फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया और ज्वाइंट करने से पहले हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से रखना है और फिर हमें दूसरा वाला पार्ट इसके ऊपर रखना है। तो यहाँ से हमें निशान लगा लेना है, 3-3 इंच का बराबर का इसमें दोनों साइड से निशान रहना चाहिए। बिल्कुल सेंटर में इसको हमें रखना है और यहाँ से अब हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। देखिए स्टिचिंग कर ली है मैंने और फिर अब हम दूसरा वाला पार्ट भी इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। तो इसको हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हम दूसरा वाला पार्ट भी इसके ऊपर लगा देंगे और फिर से हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से इसकी सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने एक तरफ से इसे ओपन रखा है अभी। और इसके बाद हम इसमें कुशन या फिर आप कोई भी कॉटन कपड़ा या कुछ भी डाल सकते हैं या कॉटन डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम इसमें फिल कर लेंगे पहले। और यहाँ पे हम एक सुई धागे का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद हम बिल्कुल यहाँ के सेंटर से हम यहाँ पे सुई धागे का दोनों साइड से हमें देख लेना है और बिल्कुल सेंटर पॉइंट से हमें यहाँ पे सुई धागे को लेना है और यहाँ से हमें एक सिलाई लगा देनी है। ध्यान रखें नीचे वाले पार्ट को हमें ज्वाइंट नहीं करना है। और फिर यहाँ से हम इसे इस तरीके से प्लेट डालेंगे और इसको हम अच्छे से सिल देंगे। ये देखिए ये मैंने अच्छे से सिल दिया इसको। और अब हम यहाँ पर नीचे से भी इसको अच्छे से दोनों साइड से सिल देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको डेकोरेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक इस तरीके से स्टोन लगा रही हूँ और इसमें अब हम कुशन ऐड करेंगे और अब हम दोनों साइड से इसे अच्छे से स्टिच कर देंगे। तो गाइज ये हमारा प्यारा सा कुशन बनकर रेडी हो गया है। आप इसे सोफे पे या फिर बेड पे कहीं भी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा और एलिगेंट लग रहा है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।